जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th के अकाउंटेंसी में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जीके गर्ल्स सर की बुक से, वहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें सर पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट हैं। उसमें लिखा है सर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगनिंग, मतलब शुरू में जो कंपनी ने ओपनिंग कैपिटल लगाई थी वो कैलकुलेट कर दिखाइए। कैपिटल एंड ऑफ द ईयर है सर 24 लाख रुपीस। ड्राइंग्स दिए 10,000 पर मंथ दिए, तो हमें 12 का इंटू करना पड़ेगा। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है 4 लाख और प्रॉफिट है सर 6,60,000 रुपीज़ का। तो मैं सिंपली ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। हम कोई भी चीज़ निकालनी हो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करना हो, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, लॉस कैलकुलेट करना हो, ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी हो, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी हो, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी हो, एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट करनी हो, आपको सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखना है। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बढ़ जाती है, प्लस करेंगे हम इसमें नेट प्रॉफिट और माइनस करेंगे ड्राइंग्स, पूरे साल में जितने भी पैसा बाहर निकाला है। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। बस क्लोजिंग कैपिटल की जगह आप क्लोजिंग कैपिटल को रख लो, जो है आपकी 24 लाख रुपीज़। ओपनिंग कैपिटल आपके पास है नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपली ओपनिंग कैपिटल का क्या लिख लो, नाम लिख लो। एडिशनल कैपिटल दिए हुए फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, जो कि है 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपीज़। नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 6,60,000 रुपीज़ का। और ड्राइंग्स दिए आपको क्वेश्चन में 10,000 पर मंथ की, तो 10,000 × 12। सिंपल तरीका एकदम, जो चीज़ गायब है उसका नाम लिख लो और एक ही फॉर्मूला मैंने आपको याद रखवाया है। सर लास्ट वीडियो में हमने आपने जो क्वेश्चन कराए थे, ऐसा कुछ बच्चों का डाउट है वो, उसमें सर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं बनवाया था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनाना सिखा दिया था। आप क्वेश्चन जो फार्मूला बेस पर करा रहे हैं, पर हम क्वेश्चन को बुकिश तरीके से करना चाहते हैं, एग्जाम में वैसे करना चाहते हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो उसी तरीके से कराऊंगा दोस्त, ठीक है। वो मेरे को समझाने का एक तरीका था कि आप फॉर्मूले पर बेस रहें, ताकि फार्मूला आपको समझ में आ चुका है तो आप चीज़ों से घबराए नहीं कि कभी क्या ऐड हो रहा है क्या लेस हो रहा है। वो स्टेटमेंट एक प्रेजेंटेशन भी है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप एक फॉर्मूले से एक बार समझ जाएंगे तो मैं आज के क्वेश्चन को स्टेटमेंट से भी करा दूंगा। तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जितनी भी है, अरे सर बार बार जोड़ रहे हैं, 4 लाख में 6,60,000 जोड़ेंगे तो 10,60,000 हो जाएगा। एक एक स्टेप करके चल रहे हैं, जैसे बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ते थे। माइनस करेंगे 1,20,000, 4 लाख प्लस 6,60,000, 10,60,000 माइनस करेंगे 1,20,000। यहाँ लिखेंगे 24 लाख रुपीज़, यहाँ लिखेंगे हम ओपनिंग कैपिटल, प्लस इसमें से इसे माइनस करेंगे 10,60 में से 1,20 गया तो यह आ जाएगा 9,40,000, 9,40,000। बहुत सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को इधर उठा के ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो 24 लाख में से 9,40,000 माइनस करेंगे, 24 में से 9 गए 15, और 40 माइनस करना है तो 14 लाख, 14,60,000 आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। बहुत सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है सर, क्लोजिंग कैपिटल जो भी आ रही है उसमें से माइनस कर लेंगे आप क्या नाम है इसको, 9,40,000। 9,40,000 कैसे आया हमारा, 4 लाख प्लस 6,60,000, 10,60,000 माइनस 1,20,000, 14,60,000 आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ ईयर जो हमें निकालनी है क्वेश्चन में, कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ ईयर इक्वल्स टू 14,60,000। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, क्वेश्चन नंबर 5B पर। वहाँ पर हमें सर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल तो जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वाला फार्मूला था, तो वो सिंपली आपको बस प्रॉफिट दिखा सकता था, बट मैंने जो आपको फार्मूला दिया है जो कि एक्चुअली में आपने कई बार देख रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में, आपने देखा ही था कि आप कैपिटल उठाते थे, उसमें एडिशनल कैपिटल थी तो जोड़ते थे, प्रॉफिट जो निकलता था ट्रेडिंग पीएनएल से उसे जोड़ते थे और ड्राइंग्स को माइनस करते थे। वही फॉर्मूले में बना दिया हमने, इसमें क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। सर इतनी बार फार्मूला क्यों लिखते हैं, हमें याद हो गया, मुझे पता है आपको याद हो गया, बट आप भी ऐसी आदत बना लें।
है, तो एक तो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल सर दिए क्वेश्चन में 90,000 रुपीज़, ओपनिंग कैपिटल की जगह लिखेंगे हम 90,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल सर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर ढूंढने वाली बात है, देखो प्रॉफिट दिया है, ड्राइंग्स दिया है, तो ये प्लस ये माइनस होगा। ड्यूरिंग द ईयर प्रोपराइटर सोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है सर ज्वेलरी, ठीक है, मतलब ज्वेलरी से बनी हुई चीज़ें, सिल्वर गोल्ड की, मतलब गहने, तो प्रोपराइटर ने अपनी वाइफ के गहने बेच दिए, ठीक है, 40,000 के, एंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस। मतलब इस वाले वर्ड को आपको कभी ज्वेलरी, कभी ऑर्नामेंट्स, कभी शेयर्स, कभी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें बेचेगा और बिजनेस में जितना पार्ट लाएगा उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। लैंग्वेज फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट एडिशनल कैपिटल बोलता तो भी आता, और लैंग्वेज के तरीके से दिया तो भी आता। ड्यूरिंग द प्रॉपर्टी सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ फॉर 40,000, इन्वेस्ट द सेम इन टू बिजनेस, एडिशनल कैपिटल जोड़ लेंगे। नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में क्या सर? नेट प्रॉफिट दिया है 25,000 और ड्राइंग्स दिए 17,000, तो नेट प्रॉफिट 25,000 प्लस कर लेंगे और ड्राइंग्स को 17,000 को माइनस कर लेंगे, तो 90,000 प्लस 40,000 130,000 प्लस 25,000 155,000, 9 और 4 13 और 2 15 115,000 माइनस 17,000, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी 138,000 रुपये। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी दोस्त? 120,000 रुपीज। तो कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर कितनी आएगी दोस्त? 138,000 रुपीज। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सुचित्रा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। सुचित्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को, कैपिटल है वहाँ 5 लाख रुपए, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2020, मतलब ये 1 अप्रैल 2019 की बात कर रहा है, तो ये ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी आप, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मज़ेदार तरीके से, ताकि आपको कन्फ्यूजन कम होगी और चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी। ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू 50 लाख, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है हम उसे तोड़ तोड़ के अपनी भाषा में लिख ले रहे हैं, अकाउंट्स वाली भाषा में। 31 मार्च 2020 को टोटल एसेट्स हैं सर 60 लाख के और क्रेडिटर है 3 लाख रुपए के। 31 मार्च 2020 मतलब क्लोजिंग कैपिटल की तरफ इशारा कर रहे हैं। टोटल एसेट में से आप क्रेडिटर्स को माइनस कर दोगे तो क्या निकला के आ जाएगा आपका? क्लोजिंग कैपिटल। तो तुरंत निकाल ले रहे हैं, ज़रूरत देर किस बात की है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 60 लाख माइनस 3 लाख, ये हो जाएगा आपका 57 लाख के आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। टोटल एसेट्स में से क्रेडिटर्स को माइनस कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। शी विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर फॉर आर पर्सनल एक्सपेंस 10,000 per month अप टू 30 जून एंड देयर आफ्टर 15 मार्च अप टू 31 मार्च। मतलब इन सुचित्रा जी ने क्या किया है, पहले 10,000 per month लिया है कुछ महीने तक, कब तक? अप्रैल मई जून, 3 महीने तक 10,000। उसके बाद 9 महीने जो बचे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, उसमें लिया है 15,000 per month। मतलब 2 बार ड्राइंग्स करिए साल में, एक तरीके से करिए 10,000 3 महीने तक, और फिर करिए 15,000 9 महीने तक, तो ड्राइंग्स का अमाउंट जो निकलेगा वो कुछ ऐसे निकलेगा। ड्राइंग्स इक्वल्स टू, हमें एक एक चीज़ को आराम से बारीकी से समझ ले रहे हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल समझ में आ गई सर दी हुई है क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल आप पिछले 5-6 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, ड्राइंग्स आपको कैसे निकलेगी इस बार 10,000 × 3। ऐसा क्यों किया है मैंने, कैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले पूरा 10,000 per month लिखा होता था, 8,000 per month लिखा होता था, 15,000 per month, तो मैं सीधे 12 घंटों कर देता, 10,000 per month इंटू, तो 10,000 × 3 प्लस 15,000 × 9, 10,000 × 3 से आएगा आपका 30,000 रुपीज, 15,000 × 9 से आएगा 135,000 रुपीज, तो 10,000 × 3 30,000 और 15,000 × 9 135,000, तो इससे आएगा 165,000 आएगी टोटल ड्राइंग्स आपकी, ठीक है। 12 महीने हो गए पूरे, 10,000 × 3 और 15,000 × 9 165,000। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर शी सोल्ड हर पर्सनल इन्वेस्टमेंट, देखो अभी जैसे वहाँ ज्वेलरी बेची थी, ऑर्नामेंट्स बेची थी, अब पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेचे 80,000 के एट 5% लॉस एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इन द बिजनेस। ये 80,000 रुपये के जो इन्वेस्टमेंट है उसे 5% लॉस पर बेचा है और इस चीज़ को वो बिजनेस में लेकर आ गया है। दैट मीन्स ये किस तरफ इशारा कर रहा है हमारा? एडिशनल कैपिटल की तरफ। 80,000 रुपये के एडिशनल इन्वेस्टमेंट थे जिनको हमने कितने परसेंट लॉस पर बेचा है दोस्त? 5%। तो जितने परसेंट लॉस है उतना माइनस कर देंगे, प्रीमियम वर्ड लिखा होता, प्रॉफिट वर्ड लिखा होता तो हम प्लस कर देते, ठीक है।
बहुत सिंपल है, 80,000 में 5% का लॉस माइनस करेंगे तो 80,000 का 5% होता है 4,000, तो 80 में से 4 गए, ये आ गया आपका 76,000, ये 4,000 आएगा दोस्त। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है सॉल्व कर कर। तो हमारे पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ड्राइंग्स है, एडिशनल है, तो देर किस बात की, फटाफट से प्रॉफिट निकाल लीजिए। पर सर वो बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए। हाँ वो भी बना दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं आपको सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला दिखाऊंगा, वो वाला फार्मूला जो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए और हेल्प करेगा। मुश्किल से आधा मिनट लग रहा है देखो इसके हिसाब से निकालने में, तो बुरा ही क्या है, हम बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगना है उसमें। बस हमें क्लैरिटी होगी कि ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, इस फॉर्मूले से चलेंगे तो हमारा सिंपल बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्लोजिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल रख लो, दैट इज 57 लाख। ओपनिंग कैपिटल की जगह ओपनिंग कैपिटल रख लो, दैट इज 50 लाख। एडिशनल कैपिटल की जगह एडिशनल कैपिटल रख लो, दैट इज 76,000 रुपीज़, ज़्यादा नहीं है। नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट रख लो, सर वो तो है ही नहीं है। और ड्राइंग्स की जगह ड्राइंग्स रख लो, दैट इज़ 1,65,000। देखो क्वेश्चन को पढ़कर अपनी लैंग्वेज में तोड़ने का कितना फ़ायदा होता है कि एक तो आपको 10 बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बात चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि अरे ड्राइंग्स कितनी है, बार बार सिंपल लिख लिया हमने, जो भी हमारे काम की चीज़ें हमने सबको तोड़ तोड़ के लैंग्वेज में लिख लिया, हमारा एकदम प्रॉफिट सही आएगा, फिर हम उसको स्टेटमेंट में कर देंगे। 50 लाख प्लस 76,000, 50 लाख 76,000 माइनस 1,65,000 रुपये, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेना। 1,65 पैसे 76 गए, ये आया आपका 89,000 माइनस करना है तो ये आएगा आपका सर, कुछ बच्चे साथ साथ करते जा रहे हो कैलकुलेशन तो कर लो, 49,11,000 आएगा दोस्त, जहाँ तक मुझे लगता है, इसको प्लस इसको माइनस कर, बाकी आपको जो लगता है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करी है, 1,65 में से 76 जाएगा तो 89,000 आएगा, और 89,000 माइनस करें तो उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को इधर रख लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो 57 लाख में से 49,11,000 माइनस करेंगे तो 97 से 49 गए तो 8 आएगा, बट यहाँ आएगा 7,00,000 89,000, 7,89,000 रुपये का प्रॉफिट एकदम एक बार में सही आ रहा है। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट में व्हाट्सअप करके पूछ सकता है। आई हैव गिवन माई नंबर हेयर 7906786321 पर। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ तक छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी, बट हमें क्वेश्चन में अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ, क्योंकि हमारे जो स्कूल वाले सर हैं वो इस फॉर्मूले की बात कम सुनते हैं। तो फार्मूला आप याद रख लो, बेसिकली फार्मूले से इजी पड़ेगा आपको क्वेश्चन करना, बट मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना भी सिखा देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, देखो सारी यही फार्मूले वाली चीज़ें काम में आएंगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि हम लोग उल्टा चलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कैसे भी चल सकते हो, देखो बुक के हिसाब से चलवा रहा हूँ मैं, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू 57 लाख। ठीक है, ये रही आपकी क्लोजिंग कैपिटल 57 लाख। मैं इसी के हिसाब से चल रहा हूँ। एक बात बताओ, क्लोजिंग कैपिटल में मैं अगर प्रॉफिट निकालूंगा, प्रॉफिट जैसे मानो यहाँ पर है फॉर्मूले में, तो इस ओपनिंग को क्या करूँगा माइनस, एडिशनल को भी क्या करूँगा माइनस, इधर ला रहा हूँ मैथमेटिक्स के हिसाब से, और ड्राइंग्स को क्या करूँगा प्लस। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से हम करते जा रहे हैं। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड कर लीजिए ड्राइंग्स को, ताकि आपको बुकिश तरीका भी याद हो जाएगा, बस समझ के करो जो भी करो। ठीक है, फॉर्मूले को रट्टा वेकेशन मत करो, ड्राइंग्स इधर ले आ रहा हूँ इसलिए प्लस हो रही है। तो ड्राइंग्स है कितनी दोस्त, हमने अभी कैलकुलेट करी दी 1,65,000। वो कैलकुलेशन हमेशा काम में आएगी वाली, 1,65,000, तो ये हो जाएगी 58,65,000। साथ साथ कैलकुलेशन करते जाएंगे, कन्फ्यूजन कम रहेगी। 58,60,000 लेस क्या करोगे आप सर, इसमें से ओपनिंग भी घटानी है हमें, जो कि 50 लाख दिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, कंफ्यूजन नहीं है उसमें, तो ये आ जाएगा 8,65,000। और इसमें से घटा देना है हमें एडिशनल कैपिटल। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कोई बहुत बड़ा हुआ थोड़ी ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कई सारे बच्चे घबरा गए, कमेंट सेक्शन बता रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे, सर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट करा के नहीं कराया। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ले लीजिए, मैं आपको चाहता हूँ आप सिंपलिसिटी से यह चीज़ों को रटे नहीं, समझ के करें, ताकि एग्जाम में कुछ नई सी लैंग्वेज भी फंस जाए तो भी आप उसमें दिमाग लगाएं और कर लें। 76,000 की आपके एडिशनल कैपिटल, ये 80,000 में से 5% लॉस माइनस करके इसको माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका सिंपल सा
8,65,015 में से 6 गए 9 और 85 में से 7 गए 78, 7,89,000 ये हो गया प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। क्या हो गया दोस्त, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर 7,89,000। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कुछ बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सर इसी वीडियो में करा देंगे कि सारे क्वेश्चन जितने हो जाए सर वहाँ तक तो कराना ही है, और समय बच चुका है 1:50 रात के। फॉलोइंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय मिस्टर एक्स। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं बट एक्स ने बनाए हैं तो हमें उसका काम देखना पड़ेगा। ये सर एसेट्स की इन्फॉर्मेशन है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2 लाइबिलिटी हैं। ठीक है, हमको कैपिटल निकालनी है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ 10,000 इन्वेस्टमेंट एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। सेम अभी वाला है, ये आपके एडिशनल कैपिटल 10,000 में 5% जोड़। पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो है 1,250 पर मंथ, कोई अप्रैल मई जून नहीं दिया है, सीधे 12 में इंटू कर देंगे। ड्राइंग्स निकाल लेंगे, एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स। पूरे क्वेश्चन में ना सर आपको ओपनिंग कैपिटल दिया ना क्लोजिंग दिया, बट आपसे बोल रहा है स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट बनवा रहा है प्रॉफिट और लॉस निकलवाने के लिए। सबसे पहले सर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, और कैपिटल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो जो आपको 1 अप्रैल 2016 को दिख रही है ना दोस्त एसेट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल में आएगी और ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल में आएगी। तो जो बच्चे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से करना चाहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कर सकते हैं, और जो बच्चे फॉर्मूले से करना चाहते हैं एसेट माइनस लाइबिलिटी से फॉर्मूले से कर लेंगे। मैं इसलिए करा रहा हूँ सर ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर को नहीं आता है, तो मुझे आता है दोस्त। ठीक है, मैंने भी पढ़ाया है तभी पढ़ा रहा हूँ आपको। सर ये क्या इतने सारे कॉलम क्यों कर रहे हो आप, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो दो ही होते ना, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, बट मैं आपको एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दोनों कैपिटल निकलवा दूंगा। समझ गए होगे आप कैसे, मैं इधर की एसेट्स में से इधर की लाइबिलिटी माइनस करूंगा इधर की कैपिटल, फिर इधर की एसेट वैसे इधर, क्योंकि एसेट्स तो कॉमन ही है ना। जी सर हम समझ गए आप कितना दिमाग लगाते हो समय बचाने के लिए। सबसे पहले देखो जब 16 की लिखो तो बेटा 17 की तरफ देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, हम पहले 16 की बात कर रहे हैं। 16 में 1,000 रुपये का कैश है, क्योंकि अगर आप दोनों एक साथ लिखोगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाओगे किस में से माइनस किस में से प्लस। बैंक है 8,000 रुपये, बहुत सिंपलिसिटी से करते जाना है क्वेश्चन को। डेटर से 10,000, स्टॉक है 7,000। सारी एसेट्स को एक एक करके लिख लूंगा मैं, पहले 16 वाली को। मशीनरी है 20,000, क्रेडिटर्स है 11,000, क्रेडिटर्स को कहां लिखूंगा दोस्त मैं, लाइबिलिटी साइड। और बैंक लोन है 12,000, इन सारी एसेट्स का टोटल लगा लेंगे और लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, डिफरेंस में क्या आएगी आपकी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। 10,000 और 8, 18,000, 28,000, 35,000 और 30, 55,000, 55,000। 10, 8, 18, 28, 35, 55 में से 23 गए तो ये कैपिटल आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर में 32,000 रुपये। समझ में आ रही है मेरी बातें। जी सर टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी सिंपल किया है मैंने, कुछ भी नहीं। आप फॉर्मूला लगाए करोगे तो सारे को जोड़ोगे फिर माइनस करोगे इन दोनों को। ठीक है, मैं उससे भी करा दूंगा, आप परेशानी वाली कोई बात ही नहीं। तो एक बार चेक कर लो ओपनिंग कितनी है, एक मिनट से गलत आ रही है। 10, 8, 18 कैपिटल, अरे यार कितनी बड़ी गलती हो गई, 1,000 है, 1, 8, 9, 10, 19, 26, 20, 40, 40 में से 23 गए तो 23 ही तो आएगा। कई बार बच्चों को समझाता हूँ, खुद से गलती होती है, 1,000 था ही। ओके सर चलो कैश दोबारा से यहाँ आएगा 1,500, अब सिर्फ 17-17 के बैलेंसेस देखूँगा मैं। यहाँ आएगा आपका 10,000, नेक्स्ट एड्रेस में आएगा आपका 12,000, नेक्स्ट स्टॉक में आएगा आपका 6,000, नेक्स्ट मशीनरी में आएगा आपका 20,000। ठीक है, टोटल लगा लेते हैं और लाइबिलिटी सेट क्रेडिटर आएगा 10 और बैंक लोन आएगा 12। 20 और 6, 26 और 12, 38,
26 और 38 48 ये आएगी 49,500, 26 38 48 49,500 में से 22,000 गए तो ये आएगी 27,500। ठीक है, ये बन गया सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल 27,500 सही आ रही है बिल्कुल क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे फॉर्मूले वाले मेथड से क्वेश्चन, एक मिनट लगेगा, ठीक है, चाहो तो वीडियो स्किप कर दो भैया, चाहो तो देख लो। ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, देखो पहले पहले क्वेश्चन में हमें दोनों ओपनिंग क्लोजिंग दी थी, दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत हुई कि हम क्लोजिंग कैपिटल को ऐसे निकाल रहे हैं, और सेवन्थ क्वेश्चन पे आते आते हम ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को ऐसे ही निकाल रहे हैं, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लग रहा है। तो भैया कैपिटल ओपनिंग वाली में, ओपनिंग वाली एसेट्स देखो, ओपनिंग वाली एसेट्स कितनी है 46,000, क्यों माइनस कर लो एक्सटर्नल लायबिलिटीज 11 और 12 23, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई 23,000। सेम क्लोजिंग वाली में क्लोजिंग की कैपिटल, क्लोजिंग की एसेट्स रख लो, दैट इज 49,500, और क्लोजिंग की लाइबिलिटी माइनस कर लो 27,500। सिंपल समझ में आ गया, ओपनिंग कैपिटल ये रही, क्लोजिंग ये रही, और हमारा इसका आएगा यूज, कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल जोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। आराम आराम से करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल रख लो 27,500। सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दो मिनट बनाएंगे। हमारे फॉर्मूले पर इतना ज़्यादा फोकस है, जितने ज़्यादा तरीके से अच्छे समझ में आ रहा है, मुझे लगता है हर बच्चे को आ रहा होगा, तो हम इतना घबराने वाला काम क्यों करें। एडिशनल कैपिटल में सर देखो, 10,000 के इन्वेस्टमेंट थे, 5% प्रीमियम पर आए थे, तो 10,000 प्लस 500, ठीक है, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ रहे हो वाला, वो 10,000 का 5% 500 रुपये होता है ना, एडिशनल कैपिटल 10,000 प्लस 500। नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट रख लो, और ड्राइंग्स की जगह 1250 into 12। अब सिंपल सॉल्व कर लो, इधर 10,500 लिख लो, इधर नेट प्रॉफिट लिख लो, माइनस 1250 इंटू 12 होते हैं आपके 14,400 और 15,000 टोटल। अब लास्ट एकदम सॉल्व करो, 23,000 प्लस 10,500 33,500 माइनस 15,000 18,500 रुपये, 23,000 प्लस 10,500 33,500 माइनस 15,000 18,500 रुपये। इधर नेट प्रॉफिट रख लो, और इस चीज़ को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27,500 माइनस 18,500 इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 9,000 रुपये, एकदम सही आ रहा है। ठीक है, एक मिनट लगेगा, हम क्या बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या करना है हमें, सिंपल भाई क्लोजिंग कैपिटल से चलेंगे हम लोग, सारी चीज़ें यहीं से टिपनी है। ठीक है, 27,500 क्या करना है, इस वाली एडिशनल कैपिटल को उधर लाऊंगा माइनस, नेट प्रॉफिट को उधर लाऊंगा माइनस, ड्राइंग्स को उधर लाऊंगा प्लस, बस क्लोजिंग कैपिटल माइनस, चाहे किसी तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, आप फॉर्मूले की बात से जल्दी सीख जाएंगे। माइनस की एडिशनल कैपिटल तो 27,500 गए 17,000, और लेस की जगह ऐड कर दूंगा मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, लेस करूँगा ओपनिंग कैपिटल, पहले ही मैंने एडिशनल माइनस कर दी, ऐड करूँगा मैं ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स को ऐड करूँगा जो कि है हमारी 15,000, 17 प्लस 15 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 32,000 माइनस 23,000 9,000 रुपये आ गया आपका प्रॉफिट, इस तरीके से शो करना है आपको। ठीक है, इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम, वहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, और जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया भाई साहब डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आपका वेट कर रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।